नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंसमेंट किए जाते हैं उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, PIB डालिए, PIB.gov.in डालिए, और इसको डालने के बाद में एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही इस तरीके के पेज है वो खुल जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक पेज है वो होम पेज आपको खुल जाएगा। और इसमें आप यहाँ कॉलम दिया है प्रेस रिलीज है, ऑल पेजेस में, ऑल रिलीजेज में आप जाइए। ऑल रिलीज में यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, ऑल मिनिस्ट्री आ जाएगी। आप किसी भी मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन या प्रेस रिलीज है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऑल मिनिस्ट्री है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट है, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, कैबिनेट है, या इस तरीके की कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी। इसके बाद में डेट आ जाएगी यहाँ 31st, आज 31st डेट है, तो कोई भी डेट है, ये सारी डेट्स है, आप किसी भी डेट की प्रेस रिलीज देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा मंथ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ईयर आ जाएगा। तो 30 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक घोषणा करी है, तो क्या प्रेस रिलीज आया ये देखिए, तुरंत ही खुल गया है। कौन सी प्रेस रिलीज आई है, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी यहाँ पर बताइए। मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूँ यहाँ पर कैबिनेट, कैबिनेट अप्रूव रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1/1/2022। तो देख लेते हैं क्या प्रेस रिलीज जारी की गई है कैबिनेट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट के द्वारा। देख लेते हैं यहाँ पर कैबिनेट की क्या मीटिंग हुई और क्या प्रेस रिलीज उसने दिया है। कैबिनेट अप्रूव्स रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1/1/2022 पोस्टेड ऑन 30th मार्च 2022। कितने समय पर ये पोस्ट किया गया है, 2:26 पर, और PIB दिल्ली में ये अपलोड किया गया है। देख लेते हैं क्या बोला गया है प्रेस रिलीज के द्वारा। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू रिलीज एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस DA टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ DR टू पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2022 रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 3% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 31% ऑफ द बेसिक पे पेंशन टू कंपनसेट फॉर प्राइस राइज। मतलब कि 3% DA का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है, 3% DA बढ़ा दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग रेट थी वो 31% थी, और ये कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। तो इस तरीके की यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया गया है, 3% DA हाइक किया गया है। जो एग्जिस्टिंग रेट थी 31% से अभी 3% ऐड कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा, वो 34% DA मिलना शुरू हो जाएगा, और ये अप्रैल की सैलरी से मिलना लागू होगा। दिस इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन। मतलब कि जो बढ़ा हुआ DA है वो कैसे मिलेगा, 7CPC में DA का रूल बताया गया है, तो उस फॉर्मूले के अनुसार ये पे किया जाएगा। द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेकर ऑन अकाउंट ऑफ बोथ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ ₹9,544.50 करोड़ पर एनम। दिस विल बेनिफिट अबाउट 47.68 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड 68.62 लाख पेंशनर्स। तो इस तरीके से ये घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा कि 1 जनवरी 2022 से बढ़ा हुआ DA है वो मिलेगा, परंतु ये DA कब से एप्लीकेबल होगा, आपको अप्रैल के महीने से लागू हो जाएगा। और इसी तरीके की बड़ी घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को दे महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। श्री अशोक गहलोत जो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जैसे ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को दे महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ता है महंगाई राहत दे होगी, मतलब कि
केंद्र सरकार की घोषणा करते ही अशोक गहलोत सरकार ने भी तुरंत घोषणा कर दी कि यहाँ पर जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी बढ़ा हुआ वेतनमान दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कुछ दिनों पहले की थी कि उनको पुरानी पेंशन योजना है वो लागू कर दी गई। स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम है वो इंप्लीमेंट कर दी गई है, तो बहुत बड़ी घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रिपेयर करवाया जाता है, जैसे कि प्रमोशनल पोस्ट होती है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है या लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इस तरीके के तैयारी के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर की सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और साथ में जनरल पार्ट है वो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से नॉलेज मंडली, आप यूट्यूब पे जाएंगे, नॉलेज मंडली आप सर्च करिए, आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर प्लेलिस्ट में देखेंगे जनरल कंप्यूटर GFR 2017 और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक, इसके साथ में ही जनरल अवेयरनेस, MCQ ऑन LTC, RTI 2005, MCQ ऑन लीव रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रूल्स, इस तरीके के बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं वहाँ अवेलेबल है। आप सारे सर्विस रूल्स हैं, पेपर का जनरल पार्ट और एकेडमिक पार्ट है वो सारे इसमें कर सकते हैं, जैसे कि MCQ ऑन पेंशन रूल्स है, जनरल अर्थमेटिक, CPF, GPF रूल्स है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सारे कंटेंट को कंप्लीट करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आप कंटेंट को मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा सुन करके और प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।